मैं सीमा वदानी ट्यूलिप बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बचे हुए फैब्रिक में से अल्फाबेट्स बना के दिखा रही हूँ। ये बच्चों के लिए अल्फाबेट्स बनाए हुए हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। आप 1, 2, 3 भी बना सकते हैं और भी कुछ बना सकते हैं बच्चों के लिए टॉयज वगैरह। जैसे कि ये पेपर पे मैंने काट के रखा है क्यू और एन, फिर मैंने उसी को पेपर रख के कपड़ा काटा है। डबल कपड़ा कटेगा, एक बार काटने के बाद दोबारा काटेंगे और फिर इसको सिलाई देंगे। अभी मैं आपको एन काट के बता रही हूँ। जैसे कि ये एन लिखकर पेपर पे काटा है पेपर कटिंग, अब इसी से हम कपड़ा काटेंगे। ये ब्लाउज सिला था हमने, ब्लाउज में से कटिंग बची है। कटिंग को हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी बन जाते हैं। अल्फ़ाबेट बनाने से बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती है और खेल भी हो जाता है, दोनों ही बातें। इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं। अब इस तरह से यहाँ से दूसरा भी काटेंगे, दो पीस चाहिए होते हैं। अब मैं इसको यहाँ से अंदर पूरी सिलाई दूंगी, इस तरह से सिलाई करके भी बता रही हूँ आपको मशीन पे। इस तरह से बंद करेंगे। इसको यहाँ से खुला छोड़ेंगे, फिर इधर से सिलाई देंगे। यहाँ से दो जगह से खुला छोड़ देंगे ताकि अंदर इसमें और छोटी छोटी कटिंग भर सकें। ये डबल एन कटा हुआ है, इनको हम चारों तरफ से बंद करेंगे। जहाँ से आपको बताया वहाँ से खुला छोड़ दिया। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने ये एन भर सिर के पूरा और सीधा कर लिया है। यहाँ से खुला छोड़ा था दोनों तरफ से, अब यहाँ से हम इस कटिंग को भरेंगे। जो वेस्ट कपड़ा है उसको और छोटा कर दिया है पेंसिल के ज़रिए हम इसको। ये एन बनकर तैयार है। इसी तरह से आप एन ओ के डब्ल्यू सब बना सकते हैं वर्ड्स। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।